जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। मैं हूँ सूफी उमर दराज। आज हम सर शकील सिद्दीकी आर्टिस्ट आपके ज़िंदगी बारे में बात करेंगे। आप 1951 में आपने जन्म लिया और 11 जनवरी 2011 में अपने खालिके लामकानी से जा मिले। सर शकील अहमद साहब ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इराक से 1975 में आर्ट्स में डिप्लोमा हासिल किया। इदारे में पहला साल बीत जाने के बाद आपने 1970 में अमेरिका चले गए और 1973 तक वहीं रहे। जब आपके वालिद माजिद ने फोन करके कहा कि बेटा यहाँ लौट आओ और मेरे कारोबार में मदद करवाओ, तो शकील ने सोचा कि वालिद साहब के काम को संभाल लूंगा और यूं ही आगे जिंदगी बीत जाने वाली है। जब वाकईतन आपने इस सूरत हाल का जायजा लिया तो आपने महसूस किया कि इनकी मंजिल नहीं है, वो इनकी मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं। यहाँ आपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और तालीम मुकम्मल की और नामूर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रॉबर्ट ब्रोकमैन की रहनुमाई में तस्वीर पेंट करना शुरू कर दी। आप एंड रिवाइट और कैन डेविस के रियलिस्टिक ये कामों से बहुत इंस्पायर हुए और उन्हीं के अंदाज से मुतासिर होकर आपने कैन डेविस आर्टिस्ट से जिंदगी की रंगारंगी की इब्तदा की और ये 1980 की बात है जब आपने पहली बार लेस टेबल के कपड़े से ढांपे हुए टेबल को पेंट किया था। इनकी ये पेंटिंग बहुत मशहूर हुई थी, तब से ही आप उसे मुख्तलिफ अंदाज में पेंट करते रहे हैं। आपकी पेंटिंग्स की बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल नुमाइशें हो चुकी हैं, उनमें बहुत सी सोलो नुमाइशें हैं, बहुत सी इज्तमाई नुमाइशें भी हो चुकी हैं। आपके फ़न को बैन अक्वामी और कौमी सतह पर बहुत सराहा गया हाजरीन और नाजरीन और उशाकान फ़न ने आपके काम को बहुत दाद तहसीन से नवाजा। आपकी पेंटिंग अब भी नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज में आवीदा होकर अपनी शान शौकत में मजीद इजाफा कर रही है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी बेशुमार वीडियोस देखने सुनने और समझने और सीखने के लिए आप द वर्ल्ड ऑफ आर्ट ज्वाइन करें और अपनी खूबसूरत राय से हमें नवाजना ना भूलिएगा। कि आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में हमें अपनी राय दीजिए। हम और आप हमेशा का साथ वाली बात है। आप अपना और अपने प्यारों में बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर आप सबका।